टुडे संडे मॉर्निंग, और संडे मॉर्निंग को रिवाज है भाई एक तरह से बाइक राइड पे जाना। तो आफ्टर सो लॉन्ग हम लोग सब निकले राइड पे, संडे राइड पे, मतलब सब साथ में। वरना हम लोग का लास्ट राइड रहा था दीघा वाला ट्रिप उससे पहले, वैसे कोई राइड नहीं हुआ है। तो आज बहुत दिन बाद निकला गया है। वीडियो की कॉन्फिशेंसी बहुत कम हो गई थी, मतलब उसके बाद भी ब्लॉग भी नहीं आया है, क्योंकि भाई घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा था। और ईद का पहले का ही लास्ट ब्लॉग था रमजान में, जनवरी का, जैसे ब्लॉग नहीं आया तो मेरी सारी पढ़ाई। आज हमारे साथ है एक ड्यूक, वन बुलेट दिस, और एक और बुलेट जाने वाला था बट नहीं जा पा रहा और इस बीच में मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, गाना सुन रहा है। इस बीच मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब वही कफ एंड कोल्ड फीवर वगैरह। तो अभी भी 100% रिकवर नहीं हुआ है, बट सिंस इट्स संडे और काफ़ी दिन बाद वाला प्लान बना है। अगेन दिस इज अ कॉर्नरिंग पॉइंट जाते वक्त, ओ भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आजाद होम, नेशनल हाईवे 6। स्टिल कफ अभी भी है, नॉट एन इशू। हुआ कुछ ऐसा था, मेरी बाइक भी सर्विस में चल गई थी, सर्विस बहुत दिन से ड्यू था इसका, तो सर्विस में भी टाइम लग गया। फिर घर में ऑपरेशन था मम्मी का, पूरा टाइम और कंसंट्रेशन पूरा वहाँ चले गया। फिर जैसे ही मैं सोचा कि अब चलो बहुत हद तक मैं फ्री हो गया, अब वीडियो बनाया जाए, बट आफ्टर दैट मेरा ही तबीयत ख़राब हो गया, वही कफ एंड कोल्ड। जैसे आज संडे के बाद संडे को टाइम मिला वीडियोज बनाने का, वीडियोस बनाने का और खुद भी राइड करने का। मैं खुद ये बाइक राइड नहीं कर रहा था, और इसको मतलब टू लिमिट तक बढ़ाना है, मतलब देखना है इसमें, क्योंकि नया क्लच प्लेट लगा है। मेरी बाइक की क्लच प्लेट जल गई थी और मतलब बिजली की वजह से क्लच प्लेट जला था, ऐसा वो सर्विस सेंटर वाला बोला। आज मेरा बिजली कम आ रहा कीजिए, और वो शॉकर का कुछ ये बूश भी या क्या बोलते हैं वो भी हो गया था। और नया चेंज पॉकेट भी लगा है, नया क्लच प्लेट, नया चेंज पॉकेट, सामने के ब्रेक पैड्स नए लगे हैं, और पीछे के भी शायद और क्या बूशेस वगैरह थे। यही सब तो इससे मतलब बाइक तो भाई भागनी चाहिए अच्छी वाली, लिमिट।
संडे का दिन पता नहीं कहाँ से ये जाम लग गया है। वैसे भी संडे फ्री होगा एकदम। तो यार जबरदस्ती थोड़ा घुसा जाए ये सब तो अच्छा। अरे अंकल क्या कर रहे हो? अरे यार भाई क्या कर रहा है? बुलेट लेके है। जाओ तुम लोग पहले डूबो मारो फिर मेरी बारी। तो यहाँ लोग हाईवे क्रॉस कर चुके हैं पर अभी भी ये ट्रैफिक ही मिल रहा है तो अच्छे से भगाने का मौका नहीं मिला है। बट इन लोग जैसा राइडर है ना भाई डर लगता है साथ राइड करने में। देखो देखो कैसे चला रहा है। देखो भाई बुलेट वाला तो लग रहा है 220 लेके भगा रहा है। मेरी बाइक 102 103 पे चल रही है। अरे ये महाशय के मैं पीछे हूँ उसके बाद भी ये भगा रहा है। रखना जब भी मेरे वीडियो में ये दोनों रहेंगे, ये दोनों वन टाइप ऑफ कपल्स हैं, जब भी इन लोग दोनों साथ में रहेंगे ना मतलब वीडियो में कुछ ना कुछ तबाही टाइप का होने वाला है। मतलब इन लोग दोनों का पार्टनरशिप ना बहुत अलग टाइप का है। वो बुलेट लेके ड्यूक से रेस करता है और ये बेशरम KTM लेके बुलेट से रेस करता है। देखो देखो देख लो देख लो देख लो खुद ही देखो कैसा चलाता है। देखो 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 घुस जाएगा एकदम एकदम। अभी टेक ऑफ ही कर देता इसके ऊपर।
प्लेट की वजह से नहीं भाग रही है या चेन पॉकेट नहीं लगी है इसकी वजह से नहीं भाग रही है, पता नहीं भाई। और एक इंसिडेंट ये भी हुआ था सर्विस सेंटर में, एक कोई अंकल आए हुए थे तो उसके सामने में जो सुपरवाइजर रहता है सर्विस सेंटर का, वो आके मतलब प्रॉब्लम पूछ रहा था। मैं बोला भाई कैसे लग रहा है चला हुआ है इसका, आप इसको चेंज कर दो। आपके यहाँ पर क्यों लग रहा है? मैं बोला कि ये बाइक ना 150 के ऊपर जाती नहीं है, क्यों नहीं जा रही है वो पता नहीं, वो आप मुझे कैलकुलेट कर लग रहा है आप देख के तो बगल में अंकल थे वो बोल रहे कि बाबू वो कम है क्या? मैं बोला अगर ये बाइक कम नहीं है, बट स्टिल ये बाइक 155-156 परसेंट टच किया है मैंने, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। बोला थोड़ा आराम से चलाया करो ये बाइक, बट स्टिल क्लस्टर बहुत हल्का चला हुआ था। मतलब वो बोला कि 5% या 10% कुछ ऐसे भी आपसे चला हुआ है, आप इसको आराम से 3-4 महीना चला सकते हैं, बाइक में कोई इशू नहीं आएगा। मैं बोला नहीं भाई चेंज कर दो, बाइक के साथ रिस्क नहीं लेना है। देखो इसका फिर से स्टार्ट हो गया, अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। अब बोला ना ये दो रहेगा ना, मतलब कुछ खतरनाक होता ही होता है, ये मेरा पुराना आ जाता है। खासकर जब इसके हाथ में आरसी रहेगा, मतलब बुलेट वाले के हाथ में जब आरसी रहेगा तब तो भाई नो वन कैन स्टॉप देम। ट्रक चला रहा है, इसको ड्राइविंग सीट का गेट ही खुला हुआ है। अभी लगता है ड्यूब वाला, अब भी लगता है। अरे भाई समथिंग नेक्स्ट इडियट क्रॉसिंग एट द स्पीड ऑफ 125 आजाद हिंद। ये भाई पूरा कावासाकी का लाइनअप सही है पूरा। दैट्स इट, द नेक्स्ट 14 आवर। नमन दैट्स इट एक्सनर काया बोसा विद ब्रॉक्स क्रॉस, दैट्स डुकाटी। ओ भाई हम लोग निकलने का टाइम हो गया, यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो गया 10:00 यहाँ पे, यू नो वी आर वेरी लेट भाई फोटोग्राफ्स की वजह से, फोटोज वीडियोज इसकी वजह से हमें थोड़ा रुक गया था।
निकलना चाहिए। Moments later. अरे भाई साहब यार, अबे वो भी चाप रहा था, ते भी चापा, गिरेगा। अभी तेरे को कहाँ लगा है? छाती में लगा, बड़ी जोर लगा। पानी रुक, पानी लेके आ रहे, रुक। भाई पानी है, पानी है, जल आछे ওইখানে পাওয়া যাবে। আরে আপলোক পানি ইউজ নি করতে হ্যাঁ থোড়া সা পানি দে দিজিয়ে সুন ইয়ে বটল মে ভর কে দে দিজিয়ে না পয়সা লে লিজিয়ে ইয়ে বটল মে ভর কে দে দিজিয়ে না থোড়া সা থোড়া ইয়ে লে যায় ইয়ে আরে উধর অ্যাক্সিডেন্ট হো গিয়া ইসকে ওজে সে ইসকা পয়সা লে লিজিয়ে আপ টাকা দিয়ে দিচ্ছি দাদা, ওই জলের টাকা নিয়ে নিন, একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, জল লাগবে। কার আছে? আরে এক্সট্রা টাকা দিয়ে দেবো, দাদা এক্সকিউজ মি, দাদা এই জলটা নিয়ে নিয়ে যাও, ইয়ে পানি লেকে যা সকতে হ্যাঁ ইয়ে বটল, আরে ওহা অ্যাক্সিডেন্ট হো গিয়া থোড়া পানি কি জরুরত হ্যায়, পয়সা লে লিজিয়ে, পয়সা নেই আপকো পানি দিয়া জায়েগা, খরিদ দিয়ে মিল জায়েগা পানি, হ্যাঁ মিল জায়েগা, দো দো ইসকো, অঙ্কল খরিদ নি পাইয়ে পানি, দাদা ক্যা বল রহে হ্যায়, उनको बोलिए ना दादा, थोड़ा अर्जेंट है, चलो ना, ओपार में नहीं है दुकान, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे ये उसका पूरा पैसा ले लीजिए, ये पूरा दे दीजिए। अरे दादा सीरियस मैटर, 5 minutes later, मतलब पानी का बॉटल लिया ना, ठंडा पानी।
তাড়াতাড়ি দেবে তাড়াতাড়ি দেবে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে নিন 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 একটু তাড়াতাড়ি নিন তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন চল 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 আমি চলবে ওইখানে এইখান থেকে এক কিলোমিটার আছে চল দিন দিন জল দিন জল দিন